क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करने वाले हैं कि लेट जी बी अ कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन आर, कि जी हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूस है यानी उसका ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक नहीं होता ऑन द होल रियल लाइन आर, क्योंकि उसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स है। और उसके साथ ही हमें ये तीन प्रॉपर्टीज बताई गई हैं और पूछा गया कि ये नीचे जो 5 ग्राफ दिए गए हैं इनमें से कौन सा पॉसिबल ग्राफ हो सकता है। अब देखिए ऑप्शंस क्या क्या हमारे पास। फर्स्ट ये बताया गया कि जी डेरिवेटिव एट 0 इज इक्वल टू 0। अब डेरिवेटिव हमें क्या बताता है, डेरिवेटिव से हमें पता चलता है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि 0 पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है वो 0 के इक्वल है, यानी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 द टेंजेंट लाइन इज हॉरिजॉन्टल। ओके, तो ये देखिए अगर हम एक्स इक्वल 0 देखें तो यहाँ पर जो टेंजेंट लाइन है वो कुछ यूं बनेगी, तो इसका मतलब यह है कि ये हॉरिजॉन्टल है और इसकी स्लोप 0 है, तो ऑप्शन ए पॉसिबल आंसर हो सकता है। इसी तरह बी में अगर देखें तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 इसकी जो टेंजेंट लाइन है वो कुछ यूं बनेगी, तो इसका मतलब ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो ऑप्शन बी भी हो सकता है नहीं हो सकता है। इसी तरह सी को अगर देखा जाए तो व्हेन एक्स इक्वल है 0 के तो यहाँ पर जो टेंजेंट लाइन है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, यानी उसकी स्लोप डेरिवेटिव जो है वो 0 ना होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन सी तो कभी भी हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। ऑप्शन डी को देखा जाए तो अगर एक्स 0 है तो यहाँ पर भी टेंजेंट लाइन कुछ यूं होगी, तो ये भी हो सकता है, और ऑप्शन ई भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर भी व्हेन एक्स इक्वल है 0 के तो टेंजेंट लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल है। ओके, तो अब हमारे पास पहली ऑप्शन से ये पता चला कि ये चारों में से कोई एक ग्राफ हो सकता है, तो सी को तो अब हम डिस्कस ही नहीं करने वाले। सेकेंड कंडीशन क्या कि जी डबल डेरिवेटिव एट -1 ग्रेटर है 0 से, तो डबल डेरिवेटिव हमें कनकेविटी के बारे में बताता है, यानी यहाँ हमें ये पता चलता है कि एट एक्स इक्वल -1 द ग्राफ इज कनकेव अपवर्ड। ओके, तो देखते हैं कि इन चारों में से कौन कौन से फंक्शंस के ग्राफ -1 पर कनकेव अपवर्ड हैं। इसमें देखिए कि -1 हो तो यहाँ पर ग्राफ जो है ये कनकेव अपवर्ड ही है, सो ये ऑप्शन ए भी हो सकता है आंसर। ऑप्शन बी को देखें तो -1 पर इसका ग्राफ भी कनकेव अपवर्ड ही है, तो ये भी पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है। सी को तो हम डिस्कस ही नहीं करने वाले। ऑप्शन डी को देखा जाए तो -1 पर यहाँ पर भी ग्राफ कनकेव अपवर्ड ही है, जबकि ऑप्शन ई में देखा जाए तो -1 पर ये कनकेव डाउनवर्ड है, सो इसलिए ऑप्शन ई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो अब हमारे पास टोटल 3 ग्राफ हैं और इन तीनों में से हमने बताना है कि कौन सा ठीक है। तो तीसरी कंडीशन को देखा जाए जी डबल डेरिवेटिव एट एक्स इज नेगेटिव इफ एक्स 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 2। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जब एक्स की वैल्यू 0 से 2 के दरमियान हो तो ग्राफ कनकेव डाउनवर्ड होना चाहिए, क्योंकि डबल डेरिवेटिव की बात की गई और डबल डेरिवेटिव कनकेविटी के बारे में डिस्कस करता है। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है यानी कनकेव डाउनवर्ड होना चाहिए। तो हम 1 by 1 इन ग्राफ्स को देखते हैं कि कौन कौन सा ग्राफ है जो 0 से 2 तक कनकेव डाउनवर्ड है। सो ऑप्शन ए को देखा जाए कि 0 से 2 तक ये है हमारे पास, और 0 से 2 तक ये ग्राफ कनकेव डाउनवर्ड है, तो ये हमारे पास आंसर है। देखते हैं बाकी क्यों नहीं है। ऑप्शन बी को देखा जाए कि 0 से 2 तक ये 0 है और 0 से 2 तक ये ग्राफ यहां पर तो कनकेव अपवर्ड है, जबकि 1 से आगे 2 तक जो है ये कनकेव डाउनवर्ड है, तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है। ओके, इसी तरह ऑप्शन डी को अगर देखा जाए कि 0 से 2 तक 0 से यहां तक तो ये ग्राफ जो है कनकेव डाउनवर्ड है और उसके बाद ये कनकेव अपवर्ड है, तो इसलिए ये भी मुकम्मल 0 से 2 तक कनकेव डाउनवर्ड ना होने की वजह से ऑप्शन डी भी राइट ऑप्शन नहीं है। सो हमारे पास राइट ऑप्शन ए है।